ये दुनिया का दस्तूर है मेरे दोस्त। ये बात सभी सोचते हैं कि मेरे अकेले के न करने से क्या फर्क पड़ता है मित्रों, जबकि हर इंसान के जीवन में कभी न कभी एक दिन ऐसा वक्त आ ही जाता है जिसे हम अकेले ही नहीं बल्कि उसे कुछ लोग मिलकर ही खत्म कर सकते हैं। उसमें कुछ लोगों का योगदान होना जरूरी होता है, परंतु हम ये सोचकर अपना योगदान नहीं देते कि मेरे अकेले के न करने से क्या फर्क पड़ता है। मित्रों, ये कहानी आपको सिखाएगी कि आपके न करने से क्या फर्क पड़ता है और आपके न करने से क्या फर्क नहीं पड़ता है। एक बार एक राजा के राज्य में एक ऐसी बीमारी फैल गई जिसको लेकर वह राजा बहुत परेशान था। उस बीमारी से राज्य में रोज मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने बहुत दूर से बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, लेकिन किसी को उस बीमारी को खत्म करने का कोई उपाय नहीं मिला। राज्य में बीमारी का प्रकोप इतना बढ़ चुका था कि राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब किया क्या जाए। तभी अचानक एक दिन उस राजा के दरबार में एक साधु कहीं से आ गया। वो साधु राजा से कहने लगा, राजन, आपके राज्य में ये जो बीमारी फैली हुई है उसका समाधान मैं बताना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मुनिवर, इस बीमारी को दुनिया के बड़े बड़े वैद्य से ठीक नहीं कर सके, उसे आप कैसे सही कर सकते हैं? साधु ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि हाँ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए राज्य के सभी नागरिकों को अपना अपना योगदान देना होगा, क्योंकि यह बीमारी ही कुछ ऐसी है कि यह किसी एक इंसान से ठीक होने वाली नहीं। राजा ने कहा, ठीक है मुनिवर, आप इसका समाधान बताएं, मेरे राज्य का हर एक नागरिक अपना अपना योगदान अवश्य देंगे। साधु ने कहा कि राजन, आपके राज्य के दक्षिण दिशा में एक कुआं है, उसमें सभी को अपने अपने घरों से 10 दिनों तक लगातार दूध लाकर डालना है। ऐसा करने से यह बीमारी खुद ही इन 10 दिनों में ठीक हो जाएगी। राजा ने तुरंत अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया और सभी लोगों से अपील की कि राज्य में ये जो भयंकर बीमारी फैली हुई है इसे खत्म करने के लिए आप सभी को एक छोटा सा कार्य करना होगा। यह सुनकर राज्य के सभी लोग कहने लगे कि राजन, आप हमें बताएं तो सही कि आखिर हम लोगों को करना क्या है। राजा ने कहा कि आज से आप सभी को राज्य के वो जो दक्षिण दिशा में कुआं है उसमें सभी को रात में 10 दिन तक लगातार दूध डालना है। यही इस बीमारी का इलाज है, अन्यथा हम सब इस बीमारी की चपेट में आकर मारे जाएंगे। सभी लोगों ने राजा से वादा किया कि हम सब जरूर कुएं में दूध डालकर आएंगे और इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे। पूरी रात लोगों का आना जाना लगा रहा। सुबह होने ही वाली थी कि किसी ने एक बुढ़िया को कुएं की तरफ आते हुए देखा और उसके हाथ में जो बर्तन था उसमें देखा गया कि दूध की जगह पानी भरा हुआ है। बुढ़िया कुएं के पास जाकर चारों तरफ देखकर चुपके से बाल्टी का पानी कुएं में डाल दिया और वापस अपने घर आ गई। ऐसा होते हुए पूरे 10 दिन बीत गए, लेकिन बीमारी कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। 10 दिनों के बाद फिर से वही साधु राजा के दरबार में आया। साधु को देखकर राजा ने साधु से कहा कि मुनिवर, आपने तो कहा था कि 10 दिनों तक कुएं में दूध डालने से बीमारी खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने बताया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं बल्कि और ज्यादा खतरनाक स्थिति बन गई। साधु कुछ देर तक चुप रहा, फिर राजा से बोला कि आपको सही जानकारी है कि सभी लोग ईमानदारी से कुएं में दूध डाला भी है। राजा कुछ देर तक सोचता रहा कि इतने में एक व्यक्ति ने कहा, राजा साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक बुढ़िया कुएं में दूध के बजाय पानी डाला है, इसीलिए यह बीमारी सही नहीं हुई। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि तुरंत उस बुढ़िया को पकड़ कर लाया जाए जिसने कुएं में दूध न डालकर पानी डाला था, उसी की वजह से यह भयंकर बीमारी ठीक नहीं हुई। उस बुढ़िया को राजा के पास लाया गया। तब राजा ने उससे पूछा कि आखिर तुमने कुएं में दूध न डालकर पानी क्यों डाला था? बुढ़िया राजा से कहने लगी, राजा साहब, जब सब लोग दूध डाल ही रहे थे तो मैंने सोचा कि मेरे एक के दूध न डालने से क्या फर्क पड़ेगा, और सभी ने तो दूध डाला ही है, इसीलिए मैंने कुएं में पानी डाल दिया है। इतना सुनकर राजा और साधु दोनों कुएं के पास जाने लगे ये देखने के लिए कि बाकी सभी लोगों ने दूध डाला है या नहीं। कुएं के पास जाकर देखा तो कुआं पूरा पानी से भरा हुआ था, उसमें दूध नाम का एक बूंद भी नहीं था, क्योंकि सभी ने उस बुढ़िया की तरह ही सोचा था कि बाकी तो सब दूध डाल ही रहे हैं, मेरे अकेले के दूध न डालने से क्या फर्क पड़ता है।
मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सब कहते तो जरूर हैं कि यह गलत है, वो गलत है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, मगर जब खुद को कुछ करने की बारी आती है तो हर कोई वो कर नहीं पाता। हालांकि यह करना नहीं चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करने वाला व्यक्ति कभी विफल नहीं होता है। धन्यवाद।